नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम कर रहे हैं अधिगम अभिप्रेरणा का #9, यानी अपना जो डेली क्विज है जो सुबह 9 बजे के आसपास अपलोड किया जा रहा है डेली, उसके अब तक 8 क्विज हो चुके हैं, जिसके अंदर हर एक, आपको पता है, हर एक क्विज के अंदर आपको 25 ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। उसके बाद हर एक PDF के अंदर उसके आंसर हाथों हाथ बताए जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे रिपीटिव क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बार बार पूछे हुए, तो आप एक बार ज़रूर इनको ट्राई करें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के - सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन है संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, विकासवादी या रचनावादी। संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी या रचनावादी। सही आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा, व्यवहारवादी, यानी ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है, यानी इसका शिक्षकों के लिए क्या इसका निहितार्थ है वो बताना आपने। विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, उचित व्यवहार को पुनर्बलन किया जाए, प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, विद्यार्थी को बार बार प्रयत्न करने हैं। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, अब आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर ऊबने लगते हैं, उबासी लेने लगते हैं, थकान आती है, तो वो कारण क्या है उसका। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, या फिर बच्चों में अनुशासित करने की ज़रूरत है, यानी उनको बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 4 है आपके पास, देखिए कौन सा सही है। और एक जो चैनल पर आप जब विजिट करते हैं तो वहाँ कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी ऊपर लिखा आता है, जैसे होम है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसके बाद कम्युनिटी आता है, तो कम्युनिटी के अंदर आपको डेली क्विज मिलते हैं, आप वो ज़रूर करें। वहाँ आपने सिर्फ पोलिंग करनी है, चार ऑप्शन है, चारों में से एक आपने चूज करना है। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि जब बच्चा यांत्रिक रूप से, यानी फिजिकली और रूप से, वो बार 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 उसको कार्य को कर रहा है, तब वो उस चीज़ से क्या होने लगेगा, ऊबने लगेगा। ये देखिए, आप बुक्स का, जैसे मैं कहता हूँ कि बुक्स आपने हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर एक बुक का नाम लिया हुआ है, उसको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है वो बुक। बुक का नाम है अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ऑप्शंस हैं आपके हेडफील्ड, शेफर, स्किनर या बियर्स। हेडफील्ड, शेफर, स्किनर या फिर CW बियर्स। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डी, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ के जो लिखी गई है पुस्तक या लेखक जो अपने कहें कौन है, CW बियर्स। फिफ्थ देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब ये आपने बताना है कि विकास पूर्वानुमेय होता है, क्या पहले अनुमान लगाया जा सकता है विकास का। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, कि पहले सामान्य फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो सही आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, हम सभी को पता है कि विकास जो है सर्कुलर होता है, वर्तुलाकार होता है, तो ऑप्शन सी यानी रेखीय बिल्कुल गलत है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य बताना आपने क्या है।
अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य सिंपल है कि व्यवहार बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है कि उसमें क्या चेंजेस आए। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब ये चार ऑप्शन है, इनके अलावा आपने बताना है किसके अलावा बाकी सभी से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शंस आपके सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघन, व्यवहारगत विघन या सांस्कृतिक कारक। देखिए सिंपल है, क्या सांस्कृतिक कारक का कोई उस पर इफेक्ट होगा? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? डी। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक के उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। यह परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड, गैरेट, मर्फी या उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में प्रयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन लाना है। तो ये डेफिनेशन जो है किसकी है? गिलफोर्ड की, यानी ऑप्शन ए। देखें चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर डेली क्विज होते हैं, शाम को 4 बजे के आसपास कोई एक पोस्ट की जाती है MCQ की, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मोस्टली अप्लाइड क्वेश्चन या कुछ डेफिनेशन या कुछ नाम ऐसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप वो जरूर ट्राई करें। 9th क्वेश्चन देखिए, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है, ये बताइए। ये आपके लिए अप्लाइड क्वेश्चन की तरह है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समर्थन प्राप्त करके, क्या समर्थन प्राप्त करने से जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता है वो दूर हो जाती है, या विशिष्टताओं पर बल देने पर, या फिर प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित अगर आपने उसको करा दें बच्चे को तो क्या परीक्षा के कारणों से होने वाली चिंता दूर हो जाएगी, या फिर परिणाम के बारे में अधिक सोचना। किसके अतिरिक्त, यानी इनमें से 3 तो सही है जिनके कारण परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन यानी ये जो 4th ऑप्शन है, क्या परिणाम के बारे में अधिक सोचने पर परीक्षा के कारण होने वाली चिंता दूर हो जाएगी? तो बिल्कुल गलत है, वो उसकी जो टेंशन है, चिंता जो है वो और अधिक बढ़ा देगी। तो लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड करना है। बिने टीका योजना विधि है। बिने टीका क्या है? आपको ये शायद कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी पूछा था, तो ये व्यक्तिगत शिक्षण है। आगे देखिए, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहते हैं? देखिए भोजन है, लार है, कुत्ता है, अनुक्रिया है, जो भी, तो उसके अंदर जो भोजन है उसको अनुबंध की भाषा में क्या कहा गया है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक या अनुबंधित अनुक्रिया। तो क्या कहा गया है? अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन नंबर सी। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो कौन सा है? ऑप्शन है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत या उपयुक्त सभी। व्यवहारिक सिद्धांत बताना है कौन सा इनमें से। तो व्यवहारिक सिद्धांत कौन सा है? सभी हैं, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल है। ये देखिए इसने जो अवस्थाएं बताई है 4, उसके अकॉर्डिंग जो पहली जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसका समय बताना है आपने, काल बताना है। क्या वो 2 से 7 वर्ष है, 7 से 11 है, 11 से 15 है या 15 से 18 है? आप ये प्याजे की जो अवस्थाएं बताई है इन्होंने वो ज़रूर आप उसका डिटेल में ध्यान रखें, और ये जो लास्ट वीडियोज़ के अंदर आपको साइकोलॉजी की 1st यूनिट करवाई गई थी उसके अंदर इसका पूरा जो है डिटेल में समझाया गया था। देखिए क्या आएगा इसका, 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 14th पे, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था अर्थात जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो है उसके दौरान बच्चा किससे सबसे बेहतर सीखता है?
यानी किसके द्वारा जो है बच्चा सबसे बेहतर सीखता है 2 वर्ष तक जन्म से लेकर, क्या वो इंद्रियों द्वारा ज़्यादा बेहतर सीखता है, या निष्क्रिय शब्दों को समझाने के द्वारा, या अमूर्त तरीके से चिंतन के कारण, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के कारण। ये देखिए, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग, ये तो बहुत ही बाद की बात है। अमूर्त चिंतन भी बाद की बात है, निष्क्रिय शब्दों को समझ पाना उसके लिए अभी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर किससे सीखता है, वो इंद्रियों से। मनोविश्लेषणवाद इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, यानी मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक बताने हैं अपने, कैटल, ऑलपोर्ट, फ्राइड या बिने। सभी को पता है मनोविश्लेषणवाद के कौन है, सिगमंड फ्राइड। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें। क्या क्वेश्चन है, वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है। आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान न दें, जो आप अभी प्रैक्टिस करें एग्जाम से पहले, तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ें। देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि वॉटसन द्वारा लिखी हुई है, साथ ही साथ बुक का नाम देकर आपसे ये सन पूछ ले, तो सन भी आपको ध्यान होना चाहिए कि वॉटसन द्वारा लिखित और 1925 के अंदर वो प्रकाशित की गई थी पुस्तक, और बहुत लोकप्रिय पुस्तक थी, जिसका नाम आपने देखना है कौन सा था चारों के अंदर से, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद पुस्तक जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी और वॉटसन द्वारा लिखी हुई है। व्यवहारवाद के जनक भी हैं ये। 17th नंबर देखिए, प्याजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। प्याजे का जो सिद्धांत है वो किसके अवलोकन, किसका अवलोकन किया था उसने, प्याजे ने, जीन प्याजे ने। ऑप्शन है कुत्ते का, बिल्ली का, अपने बच्चे का, या फिर चिंपांजी पर। चिंपांजी वाले भाई साहब तो कोहलर हैं, कुत्ते पे पावलोक है, और प्याजे का कौन है, अपने बालक पर। इन्होंने अपने छोटे बच्चे पर क्या किया था, अवलोकन किया था। अधिगम आधारित होता है, अधिगम किस पर आधारित होता है, क्या वो अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, यानी ट्रेनिंग पर, अनुभव पर यानी एक्सपीरियंस पर, या सभी पर, किस पर आधारित होगा। अधिगम सभी पर क्या है, आधारित है, इन सभी पर, अभ्यास पर भी है, प्रशिक्षण पर भी है, अनुभव से भी है। ये देखिए, ये भी आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के रखें। ADHD क्या है, ADHD क्या है, क्या ये वाणी विकृति है, पठन विकृति है, अवधान विकृति है, या फिर गणन विकृति है। पहले भी पूछा गया है, और जो ये अपने कम्युनिटी टैब है उसके अंदर बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, कि किसी की फुल फॉर्म पूछ ली, या फिर किसी का बुक का नाम पूछ लिया, अप्लाइड क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ADHD आप अपने आप में क्या है, एक अवधान विकृति है, अवधान विकृति समस्या है, जिसको क्या नाम दिया गया है, ADHD। ये पूछा गया प्रश्न है। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किए हैं, विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए हैं, ये बताना आपने। वर्टाइमर ने किया है, एबिंगहॉस ने किया है, मैस्लो ने किया है, या हल ने किए हैं, खुद के ऊपर किया है उन्होंने विस्मरण का प्रयोग। तो कौन है वो, एबिंगहॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी। गेने निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम के श्रेणीकरण, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, या अधिगम का प्रबंधन। गेने की बात हो रही है यहाँ पर, तो किससे संबंधित है, अधिगम का श्रेणीक्रम। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है, श्रृंखला अधिगम सबसे उच्चतम है, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, या फिर समस्या समाधान, या फिर अनुकूलित प्रतिवर्त अधिगम। अधिगम का या अध्ययन का उच्चतम स्तर है, तो सही आंसर क्या होगा इसका,
समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम जो है अध्ययन का सबसे उच्चतम स्तर है। ये देखिए, ये कथन या स्टेटमेंट डेफिनेशन बतानी आपने किसकी है। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में संबंध कथन संबंधित है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये मतलब स्टेटमेंट किसकी है। क्रो एंड क्रो, पीटरसन, सोरेनसन या चार्ल्स जूड। स्थानांतरण सोरेनसन, ये ध्यान रखना है। 24 नंबर, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। ये देखिए अप्लाइड टाइप का है कि अधिगम जो है किसके बिना संभव नहीं है। क्या प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है, शिक्षक के बिना नहीं है, पाठ्य पुस्तक के बिना नहीं है या निर्देशन के बिना नहीं है। अधिगम बताना है। देखिए शिक्षक के बिना भी अधिगम हो सकता है, पाठ्य पुस्तक के बिना भी हो सकता है, निर्देशन के बिना भी हो सकता है, लेकिन प्रेरणा चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य प्रेरणा हो उसके बिना अधिगम संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप इसको, क्योंकि मोस्टली इसका जो है 70% कैंडिडेट्स इसको गलत करते हैं। कोई निर्देशन करेगा, कोई शिक्षक करेगा या पाठ्य पुस्तक, प्रेरणा जो है वो बहुत रेयर है कि 30% जो स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं वो प्रेरणा पर क्लिक करें। आगे देखते हैं और ये लास्ट है। इसके अलावा आपने बताना है कि आपने इस 25 क्वेश्चंस के अंदर ये जो क्विज है इसके अंदर आपका क्या स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। और अगर आपने दोबारा पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं पहले भी, तो आप ज़रूर देखें और आप उनकी प्रैक्टिस करते रहें और अपने हाथ से MCQ लिखें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है। वॉटसन, स्किनर, पावलोव या फ्रायड। व्यवहारवादी नहीं है वो बताना आपने। देखिए सिगमंड फ्रायड जो है इन चारों में से, सिगमंड फ्रायड जो है वो व्यवहारवादी नहीं है, बस आपने इतना ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आएगा इसका डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।